हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्पाइडर प्लांट्स की कटिंग कैसे लगाती हूँ ये दिखाऊंगी। ये मेरी स्पाइडर प्लांट है, जो फर्स्ट प्लांट है जो मैंने अपनी गैलरी में लगाया था, जिससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। ये हैंगिंग प्लांट है और ये इंडोर प्लांट है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है अगर हम इसे शेड में रखें तो। ये आप देख सकते हो, ये जो हैंग हो रही है ये सारी इसकी रूट है, जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये हम अपने इंडोर प्लांट्स में इसे अपने घर के किसी भी कोने में बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये इसकी जो लीफ होती है वो देखने में काफ़ी ही अच्छी लगती है। ये देख सकते हो आप, ये जो इसकी रूट है वो कितनी अच्छे से बाहर निकली हुई है, जिसे हम कटिंग करके एक नए पॉट में लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छी हैंगिंग प्लांट्स है। देखो अब आप, मैं इसे किस तरह से कट करके एक नए पॉट में लगाऊंगी। ये देखो, ये जैसे हैंग हो रखी है, अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। ये कट करके, ये देखो आप, ये मैंने ऐसे करके इसे कट किया और ये कट करके मैं नए पॉट में लगाऊंगी। ये देख सकते हो आप, ये कुछ इसके लीव्स हैं जो ऐसे सूख गए हैं, मैं इसे हटा दूंगी और इसकी सिर्फ रूट जो नीचे की है मैं इसे पॉट में लगाऊंगी। ये देख सकते हो आप, कितने अच्छे तरीके से इसकी रूट निकली हुई है। ये मैंने इसे अच्छे तरह से इसको साफ़ कर दिया, अब मैं इसे पॉट में लगाती हूँ। ये मैंने एक ऐसे ही पॉट ले रखा है, इसमें कुछ मैंने वो मिट्टी डाल रखी है। अब देखो आप, इसे मैं इस तरह से, इस मिट्टी में मैंने पहले से पानी डालकर इसे थोड़ा गीला कर रखा है। इसे कुछ नहीं करना, बस इसकी जो रूट है आप बस इसे मिट्टी के अंदर डाल दो, थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ और फिर अंदर की तरफ डालकर उसको अच्छे से प्रेस कर दो। ये मैंने इसे अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर दिया है मिट्टी को, बस इसकी रूट जो है अच्छे से मिट्टी के अंदर दब जानी चाहिए। वैसे ये काफ़ी अच्छी से ग्रोथ होगी। ये पॉट थोड़ी छोटी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन लुक वाइज ऐसे जितनी बड़ी पॉट है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, थोड़ा हल्का पानी डालेंगे और इसे शेड में रखेंगे। इसे डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट पे रखने से इसके पौधे पीले पड़ जाएंगे। वैसे भी अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सारे मेरे कलेक्शन है जो मैंने एक ही पौधे से बनाया है, और भी मैंने लगा रखे हैं कुछ इंडोर प्लांट्स के तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।